एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमको एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है और फिर कॉरिडोर का, जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है किताब लेकर जा रहा होता है, बोलता है कि मेरा मिडिल स्कूल बहुत बेकार था पर मैं उसे भुला दूंगा इन 3 सालों में, और ये हाई स्कूल का साल जो भी है मैं शांति से और अच्छे से बिताऊंगा। फिर वो एक लाइब्रेरी के अंदर एंटर करता है, लाइब्रेरी में जाते ना उसे है ना किसी लड़की पर ध्यान चले जाता है, वो लड़की वहाँ पर बैठ रही होती है, फिर उस पर देखते देखते उसको क्रश हो जाता है उस पर। फिर वो सोचता है काश मैं कितने शांति से अपना युद्ध बिता पाता इस लड़की के साथ। फिर वो ना उसे काम कर रहा था अपना, उसका दोस्त बुलाता उषा, उसका नाम उषा रहता है, बोलता है हाँ तगामी। फिर वो कहता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं और घर चलते हैं, और वो पूछता है कि तुम अकेले रहने वाले हो ना, कह रहा हाँ मैं यहाँ पर अकेले रहने आया हूँ, कह रहा कि बहुत सही मेरे पेरेंट्स काश मेरे को भी रहने देते। वो पूछते तुमने पता तुम कहाँ रह रहे हो, कह रहे नहीं पता मेरे को कौन से कॉम्प्लेक्स में रह रहा हूँ पर मैंने मैनेजर से बात कर ली है। फिर वो दिखाता है कि वो रोड का सीन दिखाता है जहाँ पे गाड़ी वाड़ी चल रहा होता है, और वो जा रहा होता है अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने के लिए कौन सी बिल्डिंग में रहेगा। कह रहा है कि मैं तो ज़्यादा नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि ना जो मेरी नई ज़िंदगी वो फुल आज़ाद हो, वहाँ पे ज़्यादा कुछ ना हो। कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग है पर जो भी है यहाँ पे शांति और बहुत अच्छा है। कहा यहाँ पे तो ग्रेट स्कूल भी है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे कितना अच्छा मेरे को लगा, यहाँ पे कोई अनजान बंदा तो नहीं दिख रहा। तभी वो आगे देखता है वहाँ पे ना एक अजीब सा बंदा वहाँ पे ग्रिल में से अपना मुँह झांक रहा है, वगैरह क्या मिल गया मेरे को पुलिस को बुला लेना चाहिए, उषा कहता है। फिर वो आदमी उसे देखता है, कह रहा अच्छा तुमने मेरे को देख लिया। फिर वो बोलता है कि उषा कौन तुम, वो कहता है कि डर जाता है कि मेरा नाम कैसे पता। वो पूछता तुम्हें भी ग्रेट स्कूल पसंद है क्या, कह रहा नहीं 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 कतई नहीं, क्या बात कर रहे हो भाई। फिर वो कहता है कि तुमको मेरा नाम कैसे पता चला। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है कि भाई मेरे को पता चला यहाँ पे कोई अजीब आदमी कुछ कर रहा है अजीब। अरे भाई वो तुमसे मतलब कहना चाहता है, वो बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, बताता है कि ना सुनिए ऑफिसर मैं यहाँ बस ऐसे कर रहा था। फिर वो बताता है कि जैसे कि हम कुर्सी पर बैठ के गोल घूमते हैं या ट्रोली पे, ये नॉर्मल सी बात है। अगर अच्छा फिर उषा कहता है मेरे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो मेरे को भी नहीं है, खाली पुलिस वाला कहता है तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है। उषा कहता है यही मौका है अभी भाग के चल जाता हूँ। फिर वो बोलता है रुको उषा मिल ले तो रुको। फिर ना वो आ जाता है कवाई कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ पर वो रहने वाला था, वहाँ पे एक आंटी रहती है, वो कहते हैं क्या हो गया बेटा। वो कहता है कि ना यहाँ पे मैं किसी अनजान लोग से मिला, बहुत अजीब था वो पता नहीं। और वो कहते हैं चलो तो अंदर जल्दी आ जाओ तुम। वो कहता है अरे यार उसको मेरा नाम कैसे पता, कह रहा भूल जाओ मेरे को शांति में रहना है। फिर कहता है देखो मेरा नाम सुकियोमो है, तो सुकियोमो कहना मेरे को। और वो कहता है ठीक है मेरे को खुशी मिली है, मेरे को ये जगह अच्छा लगी हमारे उषा कहता है, कह रहा है कि यहाँ पे बढ़िया है। वो पूछते कि अब चाय लोगे या फिर तुम अपना रूम पहले देखो, कह रहा है कि मैं अपना रूम ये देखो यहाँ पे जो ये पूरा रूम है, कह रहा है कितना बड़ा खाली नहीं, कह रहा है कि यहाँ पे कर्टेन लगा दो यहाँ पे दो हो जाता है। अच्छा फिर भी जो कहते हैं ये अच्छी बात नहीं, वो सके ले आ गए, डर जाते हैं वो बंदा कहाँ यहाँ पे कैसे आ गया। पूछे तुम यहाँ पे कैसे आए हो और मेरा नाम कैसे जानते हो, ये है कौन, ये मेरा रूममेट है ये मत कहना प्लीज़, कह रहा हाँ हाँ ये तुम्हारा रूममेट और ये ऐसी दीवार इतनी भी कमज़ोर नहीं है, कह रहे दीवार नहीं है वो सिर्फ पर्दा है कर्टेन है वो, कह रहे कि चलो भाई मिल के अच्छा लगा, कह रहे मैं ऐसे बंदों के साथ नहीं रह सकता, कह रहे ये ना जो हीरो है ना हमारा वो है ना वो इतना कोई ख़तरनाक नहीं है, कह रहे मेरा रहना ही नहीं है, मैं इसके साथ जानूंगा अभी नहीं कैसा है, पहले मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी पड़ेगी। फिर बता मेरे को रहना नहीं, मेरे को बस शांति से रहना था, ये कैसी बात है। और ये दरवाज़ा खोलता गुस्से में और ना जाने लगता है, उसे वहाँ पे एक लड़की मिल जाती है जैसे मैंने सोचा था। फिर ना वहाँ पे वही लड़की जो लाइब्रेरी में बैठी रहती है वही दिखती है उसको, उसे देख के रुक जाता है, कहते रीड चैन, वो सब बोलते कि अरे तुम भी आ गई। फिर कहते क्या ये ट्रैप है क्या है ये हमारा, उषा कहते चलो ये है उषा, ये भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ता और ये आज रहने वाला है। वो कहते मिल के बड़ी खुशी हुई, उषा कहता है कह रहे कि ना मेरा नाम शीरो जाकी है तो मेरे को शीरो बुला सकते हो, अरे मेरा नाम कवाई रिस्सू है तो मेरे को कवाई बोल सकते हो। फिर कहता है कि ये भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है ना, वो आंटी बोलती है सुकीमी, वो कहता है हाँ। फिर वो बोलते हैं कि ना वो काश ये बात मेरी सच होगी, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मेरे कॉम्प्लेक्स में रहती है, कह रहे हम मेरे को हम लाइब्रेरी में मिले थे, कह रहे नहीं। वो हैरान हो जाते कि नहीं वो अच्छा मैं ही तुम्हें देख रहा था, वो कह रहे कितना इत्तेफाक की बात हम सेम स्कूल में सेम जगह रह रहे हो, कह रहे मेरा पहले ईयर और मैं यहाँ पे जानता भी नहीं हूँ। वो ना डर जाता, फिर बोलता है कि ना उसे तलवार ले आती है सौड़, कहते हैं यहाँ पे मत आना। फिर वो बोलता है ना ये है गर्ल्स एरिया और गर्ल्स एरिया में तुम एंटर मत कर देना। फिर ना वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, आंटी कहती है यहाँ पे ना ये जो जगह है ना वो बांटा हुआ है यहाँ, जहाँ पे गर्ल्स एरिया बॉयज़ एरिया और येलो वाला कॉमन, कह रहे कि इस बंदे से कोई लड़की को खतरा नहीं, करे नहीं यहाँ पे बहुत से हथियार बैट बॉल कटाना सब कुछ रखा हुआ है मारने के लिए। अच्छा तुमको सच्चाई अपना रियलिटी सच कर लेना चाहिए, करे मेरे को नहीं जानना। वो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, उसकी मॉम कहती है आप क्या कंप्लेन कर रहे हो, तुम नहीं कहते तुम्हें अकेले रहना वहाँ पे।
कह रहा है कि मेरे को यहाँ पर नहीं रहना, मेरे को रूममेट के साथ नहीं रहना, ये अजीब बंदा है यहाँ पे। कह रहा है कि ना उसकी मम कहते हैं तुम खाना भी नहीं आ पाते यहाँ पे, आंटी वो खाना भी बना के देगी तुमको और तुमको पैसे नहीं दूंगी, तुम नहीं रहोगी। तो काट देता कॉल गुस्से में। फिर वो कहता है अब क्या करूँ, मेरे पास कोई चारा भी नहीं, मैं अकेले भी नहीं रह सकता ना बिना पैसों के। कहते चलो मैं इस बिल्डिंग को तो पुरानी है, कल यहाँ का ना वातावरण बहुत अच्छा है, मैं एक बार देख सकता हूँ वो उस लड़की को कवाई को कहाँ पे है। फिर मैं जा रहा था चुपचाप देखने के लिए, अरे मैं पीछे से आंटी बुलाती है, वो कहता है कि नहीं मैं कुछ झांक नहीं रहा, मैं बस ऐसे देख रहा हूँ, मैं इधर बस बाहर का चेकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है। वो कहता है कि चलो तुम मेरे को चाय पी लग सकते हो, चाय बन गई है साथ में, वो पी रहा होता है। कहते कि ना यहाँ पे हम नॉर्मली डिनर करते हैं और ना ब्रेकफास्ट करते हैं, अगर यहाँ पे रिचान भी आती है। फिर वो बोलते कि चलो तुम इतना आसान नहीं होगा रिचान के साथ तुम्हें कुछ करना। वो ना वो सारा ना चाय मुँह से निकल जाता है उसकी। मम्मी कहती है कि मेरे को माफ़ करना, बस मैं ऐसे कह रही थी क्योंकि ना साइड करेक्टर में ना जो होते हैं एनिमी में वो ऐसी बात नहीं करते। कर अच्छा बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है, उषा कहता है। फिर वो बाहर जाता है, फिर बताती है ना आंटी के जो है ना उसके ना वो ना उसके बड़े भाई के ना पोती है इसे, और ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, अपना ध्यान रखती है। फिर वो बाहर जाके देखता है चाय पीने के बाद, वहाँ पे ना जो रीता रहती है ना रिसू, वो हमारी पढ़ाई कर रही होती है। कह रहे अच्छा ये इसे पढ़ना ज़्यादा पसंद है मेरे ख्याल से, और पढ़ते पढ़ते चल रही होती है इसे पता नहीं आगे। तो कह रहे कितनी क्या कर रही है अचानक से ये कर क्या रही है। उषा बोलता है कि उसने बुक ज़्यादा ही पास पकड़ा हुआ है अपने, और घूर रहा था उसको। कह रहे कितना अच्छा लग रही है। फिर उसके बाद पीछे से उसका वही बंदा आता है, कह रहे ये बहुत अच्छे लग रहे। फिर पीछे से बंदा आके बोलता है सीको सीरो कि हेलो भाई तो अपना जो है कंबल कहाँ रखेगा, कहाँ सोएगा, लाया नहीं है। फिर वो उसे देख लेती है, फिर कहते पागल गधा कहीं का। फिर वो उसे समझाता है कि जो सोच रहे हो वैसा चीज़ नहीं है, खाली वो लड़की वाले एरिया में आ जाता है। तो उसे गुस्से में ना उस पर ना वुडन शॉर्ट से हमला कर देती है रिस्सू। फिर उसके से बहुत जोर से चोट लग जाती है, चिल्लाने लगता है अरे नहीं। फिर ना वो रूम में बैठा रहता है, फिर वो रात हो जाती है। फिर कहता है अरे यार ये तुम शांत हो जाओ, बोलना बंद करो, मेरे को नींद नहीं हो पा रही सही से। फिर ना बोलता है अरे यार मैं क्या करूँ, मेरी सपने छूट जाएंगे शांति में रहने के लिए। फिर सीरो कहता है कि अरे अंदर छुप रहे हो तुम, छुप नहीं पाओगे, जहाँ हो बाहर निकल जाओ। और फिर बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा। गुस्सा कहता है अरे तुम कैसे आ गए, मैं तो ड्रामा कर रहा था, तुमने मेरा प्ले देख लिया, मेरे को शर्म आ रही है, अब क्या करूँ मैं। अरे तुम भी तो ऐसे करते हो, तुम भी तो अपने मन में ख्याल ही पुला पकाते हो, तुम नहीं करते बताओ, तुम नहीं सोचते कुछ। अरे नहीं मैं तो नहीं करता, तुम भी तो नींद में बात करते रहते हो। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहता है ना वो कि ना जो है ना जो रिस्सू सेनपाई जो है वो ना मेरे से बात नहीं कर रही, आप कह रहे हैं मैं तो तीन से चार दिन हो गए हैं, मैं जब भी बैठता हूँ मेरे से बात नहीं करती, और स्कूल में भी इग्नोर मारते हैं, ये अजीब सी बात है। कह रहे हैं कि ना कभी वो स्माइल भी नहीं करती, थोड़ी अजीब बात नहीं लगी तुमको कि ना तुमको जो तुमसे ऐसे बात करती है मेरे से तो ऐसे गुस्से में देखती है, और बाकी दोनों से भी करती है ऐसी बात। करे कि वो दोनों है कौन, करे तुम जानते नहीं होगे, अभी वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और तुम यहाँ पर नए आए हो, एक तो वो ऑफिस लेडी है और एक कॉलेज स्टूडेंट है, ये देखो इसकी फोटो। कह रहे हाँ ये तो बहुत अच्छी दिख रही है। अरे तुम्हारे मन में फिर से ख्याल करने लग गए, सीरो को चिढ़ाने लग जाता है। वहाँ पर आती है सुकिमी आंटी आती है, वो कहते हैं ना कुछ फिश ले आओ। फिर अरे यहाँ पर कह रहे कि क्या करूँ, इतनी भी अच्छी बात नहीं है, जो मेरे को पसंद है मेरे से बात नहीं करती। फिर वो जा रहा होता है हमारा उषा, वो देखता है कि लड़की वहाँ पे बैठी रहती है, कर क्या रही है यहाँ पे। फिर वो देखता है वहाँ पे ना बहुत सारे ना अल्कोहल की कैन पड़ी है, अरे इतना सारी तो बहुत शराब ही लग रही है। वो कह रहे कि ना इतना ही नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ हो गया इसको, उसका ब्रेकअप हो गया, ब्रोकन हार्ट ब्रोकन। कह रही नहीं गुस्सा आ रहा है वो, पता नहीं अजीब सी गाली देने लग जाती है उस बंदे को, अरे मेरे को बुरा लगा उस बंदे के लिए। खाली फिर बोलते हैं वहाँ पे खड़ा होना इतना सेफ नहीं है, वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है। फिर कहते हैं कि अरे एक बच्चा मेरे पर लाइन मार रहा है, अरे मैं इतनी भी गया गुजरी नहीं। कह रहा मैं लाइन नहीं मार रहा है, क्या मैं समझा रहा हूँ तुमको, गुस्सा बताता है। फिर वो फिर उदास हो जाती है, अरे यार बच्चा भी भाव नहीं दे रहा, मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ जाती हूँ। फिर बोलता है नहीं नहीं मम्मी मजाक कर रहा था मैं, तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी हो, तुम ऐसा मत बोला करो, अरे तुम इतना मत खुश हो जितना तुम इतने होते हो। फिर इसको हो क्या गया, तुम वो जा रही होती, कह रही तो अपना सूटकेस भूल गए, कह रहे कि मेरे को सुकिमो की उड़ान खानी है। अरे क्या तुम्हें सुकिमो का, वही आंटी जो मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है। फिर कह रहे चलो तुम इसको कचड़ा मैं फेंक दूंगा, तुम सही से घर चले जाओ। फिर वो कहते तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत अच्छे हो, और तुम मैं पहली बार तुमसे मिली हूँ, तुम इतना अच्छा कर रहे हो। फिर ना वो पीछे से आ जाती है हमारी रिस्सू, फिर वो बोलते हैं कि ना ऐसे मत करो पागल, तुम कर क्या रही हो ऐसे प्लेस में इतना पी के, तुम ज़्यादा ही आज ड्रिंक कर ली। फिर क्या कहते हैं कवाई सैन पर यहाँ पे आ गई। फिर वो बोलते हैं कि रिचैन तुम क्या कर रही हो, तुम मैंने सोचा तुम तो सिर्फ पढ़ाई करती हो, कह रही तुम्हें फिर आज ड्रिंक कर ली ज़्यादा ही। फिर कहते हैं कि ना सुनो ये बहुत बड़ी ड्रिंकर के साथ मत रहना, ये ना बहुत गड़बड़ करती है, इससे तुम दूर रहना। उषा कहता है कि तुम मेरे को अभी पता चल रही हो, इतने जानकारी के लिए मेरे को पहले से पता चल गया अब। फिर कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा मजा आ गया, यहाँ से कूद के देखती हूँ। फिर वो कर क्या रही है ये।
फिर बोलते कि नहीं मैं नहीं कूदूंगा, मेरे को डर लग रहा है। फिर उसे गुस्सा आ जाता है, रिशु को उसे मारने लग जाती है, दोनों फिसल के सीधे उषा के मुंह पे गिर जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर ना उधर वो माफ़ी मांग रहे होते हैं कि वो बोलते कि ना आंटी के ना इतना करना नहीं चाहिए, कह रहे अच्छा वो उषा है, उषा कह रहा है मेरा तो मुँह फूट गया, मैंने कुछ नहीं बचाया, मेरा खुद मुँह फूटा हुआ है, कह रहे मैं क्या करूँ इसके। फिर बोलते रीटा की गलती है रिशु की, उसने मेरे को पहले मारा, कह रहे कि मैं तुमको फेंक कर मारूँगी इस बार। फिर कह रहा है फिर से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रोकन हो गया। फिर ना वो जो सीरो रहता है उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, कह रहा है कि तुम सच्ची सही नहीं बोल सकते। फिर डिनर का टाइम आता है, वहाँ पे वो सब डिनर कर रहे होते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया डिनर के लिए। फिर वो डिनर करके कह रहे कैसा है, फिर वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। फिर वो देखते हैं कि ना उषा वो खा रही है वो अच्छे से, वो कहते हैं क्या तुमको हमारा फिर से मुँह दर्द हो रहा है, यहाँ पर चोट लगी, वो बोलते हैं माफ़ करो, यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।